आज का दिन शुरू हुआ एक कप चाय के साथ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एवरीवन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया पिछली यूट्यूब वीडियो में। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने ख़रीद लिया है कॉलर माइक। अब मैं आपको दिखूंगा पेप्सी के एड्स में जो तीन तलवार पर होते हैं ना, तो आपका भाई जो है अब वहाँ पर आएगा, कभी हल्का नहीं आता आपका। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डिप्रेशन क्या होता है और उसकी कुछ साइंस हमने जो है आइडेंटिफाई की थी, तो इट वाज अ गुड टॉपिक फॉर मी टू डिस्कस ऑन एज वेल। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो में हाउएवर वी विल टॉक अबाउट द स्टिग्मा अराउंड डिप्रेशन, द स्टिग्मा दैट आवर सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड and has plagued our nation for so very long, and it needs to be addressed on an urgent basis. To is video ke zariye hum jo hai koshish karenge ke kuch aisi cheeze identify kare jisko agar humne implement kar liya to maybe we will be able to create a safer environment for the patients, the mental people who are suffering from mental illness. मेंटल इलनेस के अंडर डिप्रेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। डिप्रेशन इज़ जस्ट वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, तो तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात करनी होगी। डिप्रेशन इज़ जस्ट वन ऑफ देम। तो बात कुछ ऐसी है कि जब कोई इंसान जहनी बीमारी में मुबतला हो जाता है तो हमारी जो एक ज़बरदस्त सी सोसाइटी जो है उसको एक लिस्ट पकड़ा देती है सिम्टम्स की, और वो लिस्ट तकरीबन जरदारी साहब जो है हमारे उनकी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट से भी लंबी होती है। आप इतने बेगैरत हो! सॉरी बिल्लू भाई। तो उसकी वजह से जो पेशेंट होता है इतना एम्बेरस हो जाता है कि वो अपनी कंडीशन किसी से शेयर ही नहीं करता, और अंदर से ही वो मर रहा होता है। मतलब उसने कंसिडर कर लिया होता है कि आई एम डेड, आई एम नो यूज टू एनीवन। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट दैट वी आर सेटिंग। ऊपर से फिर हमारे पाकिस्तानी भाई लोग जो हैं, भाई बहन, सिर्फ भाई लोग नहीं भाई बहन, वो जो हैं इतने अजीब से कमेंट्स पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि भाई ना मुँह सीधा कर लो, और क्यों ऐसा ऐसे चल रहे हो, क्या हो गया, कोई बच्ची छोड़ के चली गई, कौन मर गया, और इस तरह के अजीब कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर आप उन लोगों में से हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा खुदा रा ये जो है ड्रामा बंद करें। भाई पानी पिलाओ, क्या हो गया, ठंडा पानी पिलाओ। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इस स्टिग्मा से जो है टैकल किया जाए और बाकायदा लड़ा जाए। वैसे उर्दू में देखें कि सोशल स्टिग्मा को क्या कहता है। लेट्स यार, मुझे नहीं लगता ये मैं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरी उर्दू इधर ही ख़त्म हो जाएगी। खैर लेट्स ट्राई। मुआशरती बदनमा, ठीक है आ जाए मुआशरती बदनमा से हम थोड़ी लड़ाई करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो फैक्ट्स बताना चाहूँगा। पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,00,000 के करीब लोग जो हैं ज़हनी बीमारी में मुब्तला हैं, और इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़्वातीन की है। और दूसरी बात ये कि हर 10,000 मरीज़ के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है पाकिस्तान में। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 20 या 22 करोड़ की जो है मुल्क में सिर्फ 1,000-1,500 के करीब डॉक्टर्स हैं जो इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं।
तो ये काफ़ी, दिस इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन दैट वी नीड टू एड्रेस सून एज पॉसिबल. लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी कैन डू टू फाइट द स्टिग्मा. नंबर वन इज़ वेरी सिंपल एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट वीक. Is that we need to talk about it. We need to make sure that patients suffering from mental illness know that people are talking about it, people are taking it seriously, and it's not just a joke. We need to be open-minded about it, or comfortable mehsoos karana chahiye patients ko when we are around them. So number one is we need to talk about this. Secondly, आप अपनी कंडीशन और ट्रीटमेंट के बीच में इस स्टिग्मा को ना लाएं. फॉरगेट अबाउट द स्टिग्मा फॉर अ व्हाइल एंड थिंक दैट एज यू वुड गो टू अ डॉक्टर इन केस ऑफ अ मलेरिया, सो सिमिलरली यू शुड गो टू अ डॉक्टर इफ़ यू हैव डिप्रेशन और एनी अदर डिसऑर्डर. बिकॉज ये एक इलनेस है, तो एक इलनेस का इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं. थर्डली, अपनी बीमारी को जो है वो अपने आप से इक्वेट ना करें. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसको अपने आप को ऐसे एड्रेस ना करना चाहिए कि भाई आई एम बाइपोलर. द राइट वे टू एड्रेस इट इज़ बाय सेइंग आई हैव ए बाइपोलर डिसऑर्डर. बाय सेइंग दिस वी आर एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस पर्सन इज़ इल एंड नीड्स प्रॉपर अटेंशन. यही अगर मैंटेलिटी हमने अपना ली तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए टू एड्रेस द सिचुएशन. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप. पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स की कमी है, लेकिन स्टिल देर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव इन्वेस्टेड देयर रिसोर्सेज इनटू प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज टू पेशेंट्स ऑफ मेंटल इलनेस. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स पेस्ट कर रहा हूँ. Please visit these links and maybe they can be of some help to you. And lastly, and this is I think one of the most important factors, is that we need to tackle this depression, this issue of stress at a very young age. Agar hum schools, universities or colleges mein aise sessions provide karein, aisa system laein जिसमें महीने या हर 14 दिन बाद स्टूडेंट्स एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं और उससे सॉल्यूशंस लेते हैं. अगर हमने इस एज में इस स्ट्रेस और डिप्रेशन और दूसरे डिसऑर्डर्स को टैकल कर लिया तो हमारा आधा काम उधर ही हो जाएगा. सिंस डिप्रेशन अकर्स इन लेट टीन एंड मिड 20s, तो why not tackle this issue right there and then. So let's talk about it, let's encourage people to talk about it, let's encourage our educational institutes to implement a useful system that works for the benefits of its students. Also share this video as much as possible. Iski tension na lein ki log kya kahenge, kyunki logo ka kaam hai kehna. आप लोगों को बोलें कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आप अपना ख्याल करें. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई होप दिस वीडियो रीचेज यू एंड आई होप यू आर वॉचिंग. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर लव्ड एंड यू आर प्रेशियस. टॉक टू समवन एंड गेट हेल्प. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.